दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी का निधन हो गया है। वो इस वक्त दुबई में थी जहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दुबई में एक पारिवारिक शादी में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंची थी, वहां शिरकत कर रही थी और ये उनकी तस्वीरें जो इसी शादी की तस्वीरें सामने आई थी अब से कुछ दिन अभी हाल ही में शादी थी। मोहित मारवा जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी शादी में शिरकत करने उनका परिवार पहुंचा था, जिसमें उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर, उनके पति बोनी कपूर और श्रीदेवी थे और उनकी बड़ी बेटी जो जानवी कपूर है वो यहीं पर मुंबई में थी क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये बेहद सदमा देने वाली खबर सामने आई है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें उस शादी की जो अब से एक दो दिन पहले हुई है। मोहित मारवा की शादी दुबई में हुई है और यहीं पर श्रीदेवी काफ़ी खुश और पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही हैं। उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। अपना पूरी तरह से ध्यान रखने वाली श्रीदेवी पूरी तरह से इस उम्र में भी फिट नज़र आया करती थी और उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके काफ़ी वो तारीफ़ें बटोरा करती थी। जो उनका मुंबई में जब एक इवेंट में देखा गया था हाल ही में लैक्मे फैशन वीक के दौरान, अपनी बड़ी बेटी जानवी के साथ वो पहुंची थी। 54 साल की उम्र थी सिर्फ श्रीदेवी की, उनका निधन हो गया है। सदमा दिया श्रीदेवी ने सबको, दिल का दौरा पड़ा है उन्हें बीती रात और दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हुआ है। दुबई में श्रीदेवी ने आखिरी सांस ली है। भांजे की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई हुई थी श्रीदेवी। अंतिम समय में पति बोनी कपूर और बेटी खुशी उनके साथ थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर मुंबई में थी। दुबई से भारत लाया जा रहा है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। तो अंतिम समय में उनके पति और उनकी छोटी बेटी साथ थे, लेकिन उनकी बड़ी बेटी मुंबई में मौजूद थी, अपने भांजे की शादी में पहुंची थी श्रीदेवी। देखकर उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये हो सकता है। एक तो उनकी उम्र इतनी कम, दूसरा पूरी तरह से स्वस्थ, लेकिन इस तरह से अचानक दिल का दौरा पड़ जाना ये चौंकाने वाली खबर है। ये देखिए तस्वीरें, अब से कुछ दिन पहले जो लैक्मे फैशन वीक 2018 हुआ है उसकी तस्वीरें हैं जब वो अपनी